जे चीफ मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है तो मैं वेलकम करना, तो मैं समझना कि पूर्ण हक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों सही ढंग नहीं है, बट किसी भी सूबे दे विच एंट्री करने तो पहले घट तो घट उस सूबे की सरकार की मंजूरी लैनी जरूरी। अपने वाला ट्विटर दो तीन महीनों तो बंद किया, तो मैंने ये बारे कोई जानकारी है, जेडे कोई वाकफ ने वही उन्होंने बयान दे सकता तो मैं वाकफ। मैं समझना कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस किस्म की मदाखलत, क्योंकि फैडरल सिस्टम है, फैडरल सिस्टम के किसी सूबे की सरकार की मर्जी तो बिना जे अपने आप तुम यहोजे कानून जारी कर दोगे। वेखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारे राइट्स है टू प्रोटेक्ट साढ़े जे इंटरनेशनल बॉर्डर ने, भावें सी बॉर्डर ने, भावें लैंड बॉर्डर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्रोटेक्ट करती है। बट किसी भी सूबे दे विच एंट्री करने तो पहले घट तो घट उस सूबे की सरकार की मंजूरी लैनी जरूरी। जिहड़ी इस मेरा ख्याल है जो चीफ मिनिस्टर साहब के मैं बयान पढ़े ने सर चरणजीत सिंह चन्नी के, वो मुताबक है कि गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री ने इन्हों की इजाजत नहीं ली। तो मेरा ख्याल उन्होंने जिन्ना चिर चीफ मिनिस्टर इजाजत नहीं देता, वो जिथे पहले अगे 5-7 किलोमीटर तक रेंदे सी कंडे वाली तार तो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर VSF कितने भी जा सकते, चैकिंग वास्ते जा सकते, क्योंकि उत्थे इंटरनेशनल स्मगलिंग भी होंदी है, इंटरनेशनल एसपोनाज भी होंदी है, बहुत जगह के उत्ते ISI की मदाखलत भी होंदी है। सो ये जी 50 किलोमीटर की है, ये जे चीफ मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है तो मैं वेलकम करना, तो मैं समझना कि पूर्ण हक है। कोई भी बॉर्डर दी स्टेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी उत्थों दियाँ रिस्पोंसिबल स्टेट्स जिहड़ियां लोकां दियाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने उन्हां दी मंजूरी तो बिना इहो जिहा कदम नहीं उठाना। लैटर भी लिखा PM किसी चीज़ में, मैं सपोर्ट करना पूरा कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर लैटर लिखी है प्राइम मिनिस्टर नूं उहदा संज्ञान लेना चाहिए, तो उन्हों जिहड़ा ऑर्डर है BSF का ये वायलेट करता है फैडरल स्ट्रक्चर नूं हिंदुस्तान दे, उन्हां वापस लै लो। चलो सर सुखबीर सिंह तो किसी होर हिसाब के नाल गल पेश कर रहे हैं। मैं ये गल कहना कि कितने भी फैडरल स्ट्रक्चर के जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी जो ऐसा ही मदाखलत करेगी तो फिर स्टेट्स को पावर ही कोई नहीं रह जाएगी जी। जे स्टेट्स को इजाजत जदों कितने हालात अगे भी पंजाब के कितने बिगड़े ने, तो जी मौजूदा उस टाइम दरकार जिते सरकार नहीं सी फिर उस टाइम उत्थे राष्ट्रपति राज हों या गवर्नर जरूर हों, गवर्नर को बकायदा तौर रिपोर्ट करवा के वो रिक्वेस्ट उत्ते ही मदाखलत हो सकती, जिस पैरामिलिट्री फोर्स अतवाद के पंजाब रही ने, बट उदों के गवर्नर ने लिख के घलिया हों ही उन्नी देर वास्ते आ सकती है, ये बिना लिख तो आ गई ने। तो ये एक चंगा मैं समझना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों सही ढंग नहीं है। हिंदुस्तान च फैडरल सिस्टम जिहड़ा है एक फैडरल देश है, सूबे नू अपनियां पावर्स ने, नैशनल गवर्नमेंट नू अपनियां पावर्स ने, बट इहदे विच नैशनल गवर्नमेंट नू मदाखलत करना सही नहीं होगा। सर कुछ देर दे विच जिहड़ा ड्रग हैगा ओह इनक्रीज होया है पंजाब विच, इस आ चीज़ां जिहड़ियां स्मगलिंग जिहड़ी है ड्रोन दे नाल, ड्रोन दे नाल या होर। इस गल छोटे वीर मैं तो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट हाँ, मैं तो जिस तरह तुम बयान पढ़े ने इस तरह ही मैं चीफ मिनिस्टर्स के बयान पढ़े ने, चन्नी साहब के भी आए ने, इस तो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्टेटमेंट्स आदि रही ने। एक्चुअल दे विच फैक्ट की है, वो तो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली जाती है तो या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जाती है, तो मेरा ख्याल इट इज़ बैटर जे यही इसका जवाब। सर पाकिस्तान के संबंधों को लैके पहला नवजोत सिंह सिद्धू के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट आते रहे हैं, हुण सुखजिंदर रंधावा लगातार रूसा आलम के संबंधों को लैके पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ट्विटर वार शुरू हो चुकी, लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह उनका जवाब देते नज़र आ रहे हैं, की लगता कि आ भी ये सारे पाकिस्तान के संबंधों को लैके जी पंजाब कांग्रेस है किस दिशा की ओर चलती है? मैं इस बारे इलम नहीं, मैं तो कोई पढ़िया नहीं ट्वीट सर, लगातार कल मैं अपने वाला ट्विटर 2-3 महीनों तो बंद किया, तो मैंने ये बारे कोई जानकारी है। मैं उन्हों का वाकफ नहीं, जेडे कोई वाकफ ने वही उन्होंने बयान दे सकते, मैं वाकफ। नाम बोलिया मैं तो थोड़े जरिए ना सुन रहा, मेरी भी वाकफियत है नहीं, ना मैं कैप्टन साहब ने कभी कोई मुलाकात की कि मैं जानकारी होए, सो मैं ये कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता।